विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। विद्यापति को जब पता चला कि ललिता को कबीले से निष्कासित कर दिया गया है तो उसने विनती की। फिर सभी वन के सभी स्थानों पर फैल गए ललिता को ढूंढने के लिए, किंतु वो कहाँ थी ये जानने वाला तो एक ही था। बाघा, किसी को ज्ञात हो या ना हो, तुम्हें अवश्य ज्ञात है कि ललिता कहाँ है। बाघा, ये बाघा किस पर क्रोधित हो रहा है? बाघा, तुम्हें अवश्य ज्ञात है कहाँ है ललिता। क्या हुआ बाघा? नहीं, फिर ये मेरा भ्रम है, ये आप नहीं है। क्या हुआ ललिता, कहाँ जा रही हो? एक बार क्षमा करने का अवसर नहीं दोगी मुझे तुम? नहीं, ये उनका स्वर नहीं, ये भी मेरा भ्रम है। ललिता, मैं दोषी हूँ तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी ने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो, किंतु जो दंड तुम देना चाहो मैं उसे स्वीकार करूंगा। बाघा, क्या ये वास्तव में है यहाँ? हाँ ललिता, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं विवश हूँ ललिता, अगर मैं तुम्हें साथ ले जा सकता तो अवश्य ले जाता। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? आप यहाँ से जाते समय मुझे ही नहीं बल्कि मेरी कोख में पल रही संतान को भी छोड़ के गए थे। संतान? मेरी संतान? हाँ। ललिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दंड या क्षमा अब तुम पर निर्भर है। क्षमा तो मैं भी तुमसे मांगता हूं पुत्री। तुम्हारे पति ने जो किया उसके पीछे अच्छा कारण था, उसने मुझे समझाने का भी प्रयास किया, किंतु मैंने ही उसे अनसुना कर दिया और वो अनुचित पथ चुनने पर विवश हो गया। अर्थात मैं सही थी, मेरा विश्वास सही था, आपने ये सब संसार के कल्याण के लिए किया। हाँ देवी ललिता, अब आप भी हमारे साथ चलेंगी और पुरी के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उनकी स्थापना में अपना योगदान देंगी। और इस प्रकार विद्यापति ने ललिता और विश्व बसु से क्षमा प्राप्त कर अपना प्रायश्चित कर लिया और फिर सभी उस दिव्य कुंडे के निकट पहुँचे जिससे प्रभु की प्रतिमा की रचना होनी थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ श्री नील माधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नील माधव की जय, जय जगन्नाथ प्रभु नील माधव की जय।
जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 नील माधव की जय। तो इस प्रकार उस कुंदे को श्री बलभद्र, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का रूप मिला। स्मरण है ना, हनुमान जी ने क्या कहा था, ये एक भागीरथी कार्य है। तो फिर उस प्रतिमा के निर्माण में कोई बाधा आ गई? अब वहां प्रभु नील माधव भी थे, लकड़ी का कुंदा भी था जिससे श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनने वाली थी, किंतु वो शिल्पकार नहीं जो लकड़ी के उस कुंदे को जगन्नाथ जी की प्रतिमा के रूप में गढ़ सके। कोई प्रभु के श्री विग्रह को देख पाने में असमर्थ था? तो किसी के औजार उस दिव्य कुंदे पर काम नहीं कर रहे थे। आपने तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। प्रभु की प्रतिमा की रचना बिना किसी रचनाकार के कैसे संभव हो? और यदि कोई सक्षम शिल्पकार ही नहीं था तो फिर प्रभु की प्रतिमा की रचना कैसे हुई? बताइए ना, इंद्रद्युम्न ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? भैया, हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हाँ महाराज, हमने अनेक श्रेष्ठ मूर्तिकार और शिल्पकार ढूंढ लिए हैं। कहाँ है वो? आइए पधारिए। क्या आप में से कोई नहीं जो इस कुंड से प्रभु की प्रतिमा गढ़ सके? क्षमा कीजिए महाराज, हम में से कुछ पत्थर पर शिल्प रचना करते हैं, ये मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, किंतु काष्ठ से मूर्ति बनाने वाला हम में से कोई भी नहीं। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। महाराज, हम तो प्रभु के दर्शन करने में भी सक्षम नहीं है, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है। क्षमा करें महाराज, हम में से किसी से भी ये कार्य नहीं हो पाएगा। आपने उचित कहा करती, ये महान कार्य तभी संपन्न होगा जब प्रभु की इच्छा होगी। समय कितना भी लगे हम प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर क्या हुआ, क्या वो किसी योग्य शिल्पकार को ढूंढ सके? आवश्यकता केवल योग्य शिल्पकार की नहीं थी, बात दिव्यता की भी थी। प्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए केवल योग्य नहीं दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। किंतु यदि धरती पर इतना दिव्य शिल्पकार था ही नहीं, तो फिर प्रभु जगन्नाथ जी की इतनी दिव्य, इतनी सुंदर और अद्भुत प्रतिमा की रचना कैसे हुई? अंततः तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मंदिर के गर्भगृह में प्रभु की जो दिव्य प्रतिमा स्थापित है वो जगत के नाथ जगन्नाथ जी की है। हाँ, स्वीकार तो किया है मैंने, किंतु मेरे विश्वास को बल तभी प्राप्त होगा जब मुझे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंत, प्रभु का ज्येष्ठ होकर भी जब मुझे उनके बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं। मेरा अर्थ है बलभद्र, बलराम जी, श्री कृष्ण प्रभु के ज्येष्ठ है ना वो,
इस समूचे ब्रह्मांड में प्रभु को लेकर जितना उनको ज्ञात है अन्य किसी को नहीं। किंतु अभी प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में उन्हें भी सब कुछ ज्ञात नहीं। एक साधारण भक्त होने के नाते मुझे उनको लेकर जो भी ज्ञात है तुम्हें सब बताऊंगा। तो बताइए ना, इस महान कार्य को संभव करने के लिए महाराज इंद्रदुम्न ने क्या किया? भक्त की भक्ति उसे शक्ति देती है और उसकी समस्याओं का समाधान सदैव प्रभु के पास से ही आता है। और इस प्रकार सब प्रयास करने के बाद महाराज इंद्रदुम्न ने एक बार फिर से सहायता के लिए उनकी ओर देखा, जो सदैव महाराज के सहायक बनते थे, प्रभु जगन्नाथ। प्रभु आपका काज अधूरा है तो मेरे नेत्रों में नींद कहाँ से आएगी? आपकी प्रतिमा का निर्माण होने तक मेरा हृदय इसी प्रकार व्याकुल रहेगा। कदाचित प्रभु के पास जाने से ही मुझे शांति का आभास हो और प्रभु काज करने का कोई मार्ग सूझे। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहे तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? प्रभु भक्त की विनती सुनिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, कोई संकेत दीजिए प्रभु। चक्रकृतेषु चाप परिघात्रशूलं भुजुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावितां नीलाश्रुकृतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ व्यस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रभु मैं धन्य हो गया आपके स्वरूप के दर्शन पाकर। किंतु प्रभु आपके दर्शन तो सभी भक्तों को मिलने चाहिए, ये तभी संभव है जब वो योग शिल्पकार मिले जो आपके स्वरूप से भली भांति परिचित हो, समर्थ हो, जो आपकी प्रतिमा रख सके। प्रभु आपके शरण में हूँ, सदा की भांति मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। सर्व धर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है उसे मैं प्रत्येक चिंता से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। कल सूर्यास्त से पहले जब वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारा कर्तव्य होगा उसे पहचान कर अपने मन की शंका को दूर कर उसकी योग्यता पर विश्वास करना। वो शिल्पकार मेरे उस रूप से भली भांति परिचित जिसकी मूर्ति उसे बनानी है।
शिल्पकार को पहचानूंगा कैसे? कि कैसे जानूंगा कि वो वही शिल्पकार है जिन्हें आपने भेजा है? व्यक्ति का आचरण, उसके व्यवहार और इसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। तुम्हें भी उस शिल्पकार की परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा प्रभु? तुम्हें उनसे दो कार्य करने के लिए कहना होगा। क्या कार्य प्रभु? अगले दिन सभी के मन में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ जब महाराज इंद्रद्युम्न ने उन्हें अपने आभास के बारे में बताया। अब किसी शिल्पकार को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज विद्यापति। ना अब तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना है और ना ही उस दिव्य शिल्पकार को ढूंढना है। विश्व वसु जी, ना ही अब आपको कहीं कोई संदेश भेजना है। तो क्या हमें वो शिल्पकार मिल गए स्वामी? नहीं, अभी नहीं, किंतु स्वयं प्रभु ने मुझे कहा है अब हमें कहीं नहीं जाना है। हम जिस शिल्पकार को ढूंढ रहे हैं वो स्वयं यहाँ आएंगे हमारे पास। किंतु भैया, हमने संपूर्ण जम्बूद्वीप में संदेश भिजवाया है, संभव है अनेकों शिल्पकार आए हैं, उसमें वो योग्य शिल्पकार कौन है ये हमें कैसे ज्ञात होगा? उनका उपाय है मेरे पास, उनसे बस दो सरल कार्य करने को कहना है। वो जो कर सकेंगे वही वो शिल्पकार होंगे। दो कार्य? कौन से दो कार्य स्वामी? समय आने पर आप सभी को ये भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु हमें अभी एक ही कार्य करना है, उन महान शिल्पकार की प्रतीक्षा। भैया, आपका यहाँ प्रतीक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे महाराज भगवान के मंदिर में, उनके आगे पद स्थान संपत्ति के सभी भेद मिट जाते हैं। उनके लिए तो हम सभी भेद से परे बस उनके भक्त हैं। सत्य है भैया, किंतु ये भी सत्य है कि अनुज के होते हुए यदि अग्रज को कष्ट हो तो सर्वथा अनुचित है। प्रतीक्षा ही करनी है तो मुझे प्रतीक्षा करने दीजिए। नहीं भ्राता, आज इतने महान शिल्पकार का आगमन होने वाला है, मैं अति उत्साहित हूँ, विश्राम नहीं, मुझे तो प्रतीक्षा में ही आनंद मिलेगा। मैं यही रहूँगा, स्वयं उनकी प्रतीक्षा करूँगा। और तुम्हारे समान महाराज इंद्रद्युम्न भी यहीं मंदिर के बाहर भूखे प्यासे बैठकर उस शिल्पकार का मार्ग तक नहीं लगे। भैया, ये शिल्पकार नहीं है, ये तो पुष्प एकत्र कर लाने वाले हैं। ये हमारे कबीले के सदस्य हैं। महाराज, सूर्यास्त होने को आया किंतु कोई शिल्पकार नहीं आया। किंतु सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, वो अवश्य आएंगे। विश्व वसु जी, विश्वास रखिए, मेरे प्रभु ने जो कहा है वो तो होके ही रहेगा। स्वामी, अपने भक्त से इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं आप? ये प्रतीक्षा नहीं, भक्त के अटूट विश्वास की परीक्षा है। जिस प्रकार सूर्य देव को चमकने के लिए स्वयं तपना पड़ता है और तभी वो संसार को प्रकाशित कर पाते हैं, उसी प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास की अग्नि परीक्षा में तप कर दृढ़ता के साथ बाहर निकलना है। इस परीक्षा में खरे उतरने पर ही वो मेरी प्रतिमा का निर्माण करवा सकेंगे, अन्यथा ये समय मेरी प्रतिमा के निर्माण और स्थापना का उचित समय नहीं। ये तो तभी ज्ञात होगा जब समय रेत के समान उसके हाथ से फिसलने लगेगा। वो देखिए स्वामी,
सूर्य देवता अपनी अंतिम किरणों को समेट कर हमारी आंखों से उज्जवल होने वाले हैं। हाँ भैया, अब तो सूर्य देव भी आकाश से प्रस्थान होने वाले हैं, किंतु आगमन किसी का नहीं हुआ। राजन, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। स्वामी देखिए कोई आ रहा है। कौन है ये? क्या कोई इनका परिचय जानता है? प्रणाम, आपका स्वागत है। क्या आप काष्ठ शिल्पकार हैं? हाँ राजन, जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, दूर स्थित अपने नगर से चलकर सीधा यहाँ आ गया। आपके कार्य के लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और इसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। क्या हुआ राजन, क्या आपको मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं? एक कलाकार भूखा प्यासा रह सकता है, किंतु अपनी कला और योग्यता का अपमान नहीं सह सकता है। यदि मेरी योग्यता आंकने के लिए आपके मन में मेरी परीक्षा लेने का विचार है, तो ये मुझे स्वीकार नहीं। शिल्पकार, कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। ये मालवा के महान राजा हमारे महाराज इंद्रद्युम्न हैं। नहीं भ्राता, ये समय क्रोध करने का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि मंदिर में हम सभी भगवान के साधारण भक्त हैं। जिस प्रकार सुख व्यक्ति के आसन की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की, उसी प्रकार योग्यता भी व्यक्ति के सामर्थ्य की बार बार परीक्षा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसके प्रति दूसरों का विश्वास जागता है। परीक्षा तो भगवान भी लेते हैं अपने भक्तों की, फिर परीक्षा में अपमान होने का कोई कारण नहीं। वो भगवान है, उन्हें हम पर पूर्ण अधिकार है, किंतु यहाँ पर ना आप भगवान हैं और ना ही मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए मैं परीक्षा देकर आपसे स्वयं का और अपनी कला का अपमान कभी नहीं करवाऊंगा। शिल्पकार! नहीं विद्यापति, उन्होंने परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, अर्थात इस शुभ कार्य को करना उनके भाग्य में नहीं, वो उसके योग्य पात्र नहीं। किंतु राजन, अब समय कहाँ है? जब तक सूर्य की अंतिम किरण भी लुप्त नहीं होती, मेरा विश्वास तो अटल रहेगा। भगवान को जिन्हें भेजना है वो उन्हें अवश्य भेजेंगे। अब समय हो गया, आप प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। अर्थात प्रभु, विश्वास की परीक्षा में सफल हो गया आपका भक्त। विश्वास की वास्तविक परीक्षा तो अब हो। स्वामी, भोर से भूखे प्यासे यहाँ बैठकर उस शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, किंतु अब तो समय सीमा भी बीत गई। हाँ भैया, लगता है अब आज कोई नहीं आने वाला। आप चलकर विश्राम कीजिए। क्योंकि किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। हाँ, संभव है महाराज, जो शिल्पकार अभी आए थे और जिन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया था, कदाचित वही थे जिन्हें आ जाना था, किंतु आरंभ में ही वो असफल हो गए, इसलिए अब यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। आइए चलिए। संभव है ये उनकी परीक्षा नहीं, हमारी परीक्षा, हमारे विश्वास की परीक्षा। क्या आपको विश्वास है कि भगवान ने स्वयं मुझे आकर आदेश दिया था? क्या आपको भगवान पर ही विश्वास नहीं? नहीं स्वामी, हमें आपके कहे पर और प्रभु श्री नील माधव पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आपने ही कहा था और प्रभु के वचन भी थे कि सूर्यास्त से पहले ही कोई शिल्पकार आ जाएगा। किंतु अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? हमने उनकी झलक ना दिख रही, किंतु उनकी किरणें तो दिखाई दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अंधेरा होने से पहले प्रभु का कहा अवश्य सत्य होगा। आशा का दीपक जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है, वही दूसरों के हृदय को भी आशा की ज्योति से प्रकाशित कर पाता है। जिसमें वास्तव में विश्वास होता है,
वही दूसरों में विश्वास जागृत करने में समर्थ होता है। वो देखिए, वो रहे हमारे शिल्पकार। आपको विश्वास है महाराज कि वही हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, ये वही हैं जिनकी प्रतीक्षा हम दिन भर से कर रहे हैं। कितने वृद्ध हैं ये, लगता है जैसे इनकी धमनियों में रक्त का बहाव तो है किंतु इन्हें ये शक्ति प्रदान नहीं करता। महाराज, ये तो अपने औजारों का भार भी कठिनाई से उठा रहे हैं। रुकिए रुकिए, मैं सहायता करता हूँ। दीजिए दीजिए, मैं सहायता करता हूँ। स्वामी, ये प्रभु की भव्य प्रतिमा कैसे बना पाएंगे? मुझे प्रभु पर अटल विश्वास है, उन्होंने जिन्हें भेजा है वो अवश्य ही समर्थ भी होंगे। प्रणाम राजन। प्रणाम। क्षमा कीजिए, आना तो मैं सूर्यास्त से पहले चाहता था किंतु इस वृद्ध शरीर ने यहाँ आने में विलंब कर दिया। सूर्यदेव का अस्त तो तब माना जाता है जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाए। अभी तो समय शेष है, आपको आने में कोई विलंब नहीं हुआ है। उचित है, मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है प्रभु की काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए आपको विशेष शिल्पकार की आवश्यकता है। तो क्या वो शिल्पकार आप हैं? प्रभु की कृपा है इन हाथों में, इनका कार्य देखकर आप चकित हो जाएंगे। आप ये कार्य मुझे सौंप कर तो देखिए। ये वो शिल्पकार कैसे हो सकते हैं जो स्वयं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और ना अन्य किसी वस्तु को? भला ये कैसे कर सकेंगे ये महान कार्य? शरीर वृद्ध हुआ है, दुर्बल हुआ है, मानता हूँ, किंतु मेरा कौशल वो तो आयु के साथ और भी बढ़ा है। तो कहिए राजन, आपको विश्वास है मुझ पर? क्या ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपेंगे? स्वामी, ये महान कार्य आप इन्हें नहीं दे सकते, इन्हें तो खड़े होने में भी कठिनाई हो रही है। ये प्रभु की प्रतिमा कैसे बनाएंगे और इनकी आयु तो देखिए आप, प्रतिमा बनाने में न जाने कितना समय लग जाएगा, और इन्हें देख के तो लगता है कि इनके पास अधिक समय नहीं है। भाभी उचित कहती है, ये प्रभु की प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। भैया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लोग परस्पर विमर्श ही करते रहेंगे या मुझे भी सूचित करेंगे मैं ये कार्य करने वाला हूँ अथवा नहीं? मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज, अन्यथा मैं जाता हूँ। रुकिए, किसी अन्य में विश्वास हो ना हो, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, और यदि उन्होंने आपको यहां भेजा है तो शुभ कार्य आपके ही हाथों से होगा। किंतु आपको कार्य सौंपने से पहले आपको मुझे परीक्षा देनी होगी। परीक्षा लेने में आपको हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही परीक्षा देने में मुझे कोई संकोच है। परीक्षा से ही आपका विश्वास जागृत होगा ये कार्य मैं सफलतापूर्वक कर सकूं, और मुझे भी विश्वास होगा कि मैं स्वयं को प्रमाणित कर इस कार्य को करने का अधिकार अर्जित किया है। तो कहिए राजन, क्या परीक्षा देना है मुझे? जो मुझे अपने मन की दृष्टि से देख ले
और योग्यता की प्रथम सीढ़ी को पार कर लेगा। इसलिए तुम उनके नेत्रों पर वस्त्र पट्टी बांधकर उन्हें मेरे विग्रह तक पहुंचने के लिए कहना। आपको बिना मार्गदर्शन के स्वयं ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां प्रभु विग्रह और दिव्य कुंदा रखा है, जिससे प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होगा। उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते और स्वयं को प्रमाणित भी करते हैं।